अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में गुरु कृपा संतरा मंडी के पास पांडुरना। दो से तीन अगस्त की मध्यरात्रि सौसर के कपास व्यवसायी राजेंद्र सावल के मकान में हुई डकैती मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे एक देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल, लोहे की रॉड, लूटे गए सोने चांदी व कीमती आभूषण के साथ बांटे गए रुपयों को विधिवत जब्त किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के SP सुंदर सिंह गणेश ने बताया कि इस वारदात के बाद से ही पुलिस टीम का गठन कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी के प्रभावी पर्यवेक्षण में SDOP DVS नागर के नेतृत्व में विशेष विवेचना दल गठित कर लगातार डकैतों की तलाश की जा रही थी। SP ने बताया कि आरोपी घटना वाले दिन ट्रेन से सौसर पहुंचे थे और दिन भर रेकी करने के बाद रात को डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इससे पहले इन्होंने एक होटल में खाना खाया, जिससे वे CCTV में दिखाई दिए। इसके बाद इनके फरार होने वाले मार्गों के CCTV खंगाले गए तो सभी आरोपियों के नागपुर भागकर जाने की बात सामने आई। आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला गया, जिससे पहचान हो गई। पिछले 2-3 अगस्त की जो रात में सौसर कस्बे में एक घटना हुई थी डकैती की, इसमें करीब 7-8 बदमाश जो है घर में घुस के रात के 12-1 बजे करीब घर में घुस कर वहाँ पे जो रह रहे थे उनको डरा धमका के और वहाँ से जो सोना चांदी के जो भी आभूषण थे मजबूत है इस तरह से करीब 18.5 रुपये का जो माल जो है लूट कर ले गए। इस पर से छिंदवाड़ा के साइबर टीम और हमारे अंगोना जिले के साइबर टीम तथा IG साहब के निर्देशन में DIG साहब के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और हमारे एडिशनल SP और SDOP सौसर और थाना प्रभारी सौसर और अन्य पूरे पुलिस अधिकारी कर्मचारी उस टीम के अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसके तकनीकी साक्षेत्र में किए लगातार मूवमेंट और सब चीज़ों का पता करते हुए करीब 20-22 दिन में जो आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता। पकड़ाए आरोपियों में रोमियो निवासी गुलगांव रायसेन, जसू उर्फ कुर्तिया निवासी थरमुडरा विदिशा, नंद बाबा निवासी गुलगांव रायसेन, पप्पू निवासी थरमुडरा विदिशा, कैफू निवासी गुलगांव रायसेन, सिद्धू गुलगांव रायसेन, विजय निवासी गुलगांव रायसेन। आरोपियों में एक नाबालिग बालक भी शामिल है, जो कि जिला विदिशा का रहने वाला है। इन सभी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। डकैती जैसे गंभीर अपराध में पतासाजी व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने में जिला पांडुना पुलिस की उल्लेखनीय सफलता में SDOP सौसर, DVS नागर, थाना प्रभारी सौसर निरीक्षक AB मर्सकोले, थाना प्रभारी लोधीखेड़ा निरीक्षक जितेंद्र यादव, थाना प्रभारी मोहगांव निरीक्षक रूपलाल उइके जितेंद्र बघेल तथा चौकी प्रभारी नांदनवाड़ी उपनिरीक्षक आशीष भीमटे, उपनिरीक्षक बलवंत कौर, उपनिरीक्षक प्रहलाद बैरागी, उपनिरीक्षक हर्ष नागले, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद डोंगरे, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र काले, प्रधान आरक्षक रमन सिंह, आरक्षक अखिलेश सिंह, आरक्षक मनीष टेमरे, आरक्षक चंद्रकिशोर रघुवंशी, आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह, आरक्षक अशोक हुरसुले, आरक्षक दीपक अदानी, आरक्षक प्रकाश कुमरे, आरक्षक रवि तेकाम, आरक्षक दिलेंद्र, आरक्षक वासुदेव, आरक्षक जितेंद्र मस्करे, आरक्षक साइबर सेल अखिलेश हिंगवे, आरक्षक आदित्य रघुवंशी साइबर सेल छिंदवाड़ा की सराहनीय भूमिका रही। ज्ञात हो कि सौसर में हुई इस डकैती को लेकर पीड़ित कपास व्यवसायी राजेंद्र सावल ने आरोपियों का पतासाजी करने वालों को 51,000 रुपए नगद राशि देने का इनाम घोषित किया था। वहीं तत्कालीन SP राजेश त्रिपाठी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भारत केबल नेटवर्क, आपकी सुविधा हमारा समाधान। इंटरनेट कनेक्शन, केबल कनेक्शन या हो आपकी शिकायत, संपर्क करें